तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों आज है फरवरी 2। आज मार्केट गैप अप ओपन हुई और निफ्टी 50 115 पॉइंट गैप अप ओपन हुई। निफ्टी 50 के 5 मिनट टाइम फ्रेम चार्ट में देखा जाए तो निफ्टी 50 ने फर्स्ट 2 बिग ग्रीन कैंडल बनाए एंड उसके बाद में मार्केट थोड़ा साइलेंट हो गई एंड साइलेंट होकर डाउन साइड की तरफ मूव करने लगी एंड 21920 पे एक सपोर्ट बनाया एंड वहाँ पे मार्केट ने 2-3 बार सपोर्ट लिया एंड डिसेंडिंग ट्रायंगल का सेटअप बनाया एंड मैं कर रहा हूँ इसके ब्रेकआउट का वेट। जब यहाँ पे कैंडल इसे ब्रेकआउट करके रिटेस्ट लेगी तब हम यहाँ पे अपनी एंट्री बनाएंगे। और वहीं अगर हम थोड़ा चार्ट पे ध्यान दें तो यहाँ पे आप देखोगे 21940 और 21950 के बीच में एक छोटा सा रेजिस्टेंस बन रहा है, क्योंकि वहाँ पर आप देख सकते हो 4-5 कैंडल ने रिजेक्शन लिया है। तो हमारे लिए ये भी रेजिस्टेंस हो सकता है, एक छोटा सा रेजिस्टेंस। तो अच्छा होगा कि हम इसके ब्रेकआउट के बाद ही अपनी एंट्री का प्लान करें 21950 के बाद। लेट्स सी, देखते हैं मार्केट में क्या होता है। एक बिग ग्रीन कैंडल से ब्रेकआउट तो हो गया, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा जो लेवल है 21945 और 50 का, इसको ब्रेकआउट कर पा रही है कैंडल या यहीं से वापस रिजेक्शन ले रही है। कैंडल ने रिजेक्शन लेकर रेजिस्टेंस के नीचे क्लोजिंग कर दिया। अगर हमें इसका बढ़िया सा ब्रेकआउट मिलता है तभी हम इसके बाद अपना एंट्री प्लान करते हैं। इस छोटे से रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो गया, जिस कैंडल ने इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट किया है हम उसी कैंडल की क्लोजिंग पे अपना एंट्री का प्लान करेंगे एंड उसका जो लो रहेगा वो हमारा एसएल रहेगा। यहाँ पे अपना लॉन्ग पोजीशन लगाते हैं। यहाँ पर मैं अपनी एंट्री प्लान कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं अपना जो ब्रेकआउट कैंडल उसका लो लगा रहा हूँ मैं अपना एसएल। यहाँ पे हमारा एसएल 9 पॉइंट का बन रहा है। टारगेट की बात की जाए तो ऊपर एक 21973 पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे हमारा 22 से 23 पॉइंट तक का टारगेट मिल जाएगा। तो अभी हम यहीं पे अपना इस रेजिस्टेंस तक ही टारगेट रखेंगे तो हमारा 25 पॉइंट तक का लगभग में बन रहा है टारगेट। सी मार्केट में क्या होता है, मार्केट हमारा ऐसे हिट करता है या फिर हमें टारगेट देता है। एंड देखते हैं टारगेट अगर हमारा 1:1 हो जाएगा तो मैं इसके बाद अपना जो एसएल है उसे लगाऊंगा कास्ट टू कास्ट एंड उसके बाद फिर मैं अपना ट्रेलिंग स्टार्ट कर दूंगा। तो देखते हैं कितने पॉइंट में कैप्चर कर पाऊंगा इसमें। एक ही कैंडल ने हमारा टारगेट हिट कर दिया, इतना बड़ा स्पाइक आया एंड अभी यहाँ पे हम अपना एसएल लगा रहे हैं कास्ट टू कास्ट एंड हम अपना ट्रेलिंग करेंगे स्टार्ट। तो अभी जो हमारा ये 21973 था अभी मैं इसे एसएल मान के चलूंगा एंड यहाँ पे अगर देखते हैं अगर इसके नीचे क्लोजिंग आए तो फिर हम अपना वहीं पे एग्जिट कर देंगे अगर इस 21973 के आए, नहीं तो मैं इसे और ऊपर तक ले जाऊंगा, देखता हूँ कितना मैं इसे ट्रेल कर सकता हूँ। ऑलमोस्ट मार्केट ने मैं 80 पॉइंट लगभग में कैप्चर करा दिए हैं एंड अभी देखता हूँ कि इसके ऊपर और जा सकती है, अदरवाइज नहीं तो यहाँ पे हमारा 22030 पे एक रेजिस्टेंस है तो मैं यहीं पे अपनी सारी क्वांटिटी बुक कर लूंगा एंड इसके बाद में पता नहीं अगर इतना बड़ा स्पाइक आ रहा है तो मार्केट जितनी तेजी से ऊपर गया उतनी तेजी से नीचे भी आ सकता है। तो यहाँ पर मैं फॉर्म में नहीं पढ़ूंगा और अपनी सारी क्वांटिटी यहीं पे बुक कर ले रहा हूँ। बाकी आपको वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।